हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम वेयर इन द वर्ल्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। यह एक सिंगल पेज फुली रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन होगा एंड इस एप्लीकेशन में हम लाइक रेस्ट कंट्रीज API से कंट्री डाटा को फेच करके अपने UI को कुछ इस तरह से रिक्रिएट करेंगे, शो करेंगे। और इसमें हम कुछ बेसिक फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे टॉगल थीम फंक्शनलिटी, जैसे कि हम अपने क्वेश्चन के थीम को डार्क टू लाइट मोड में टॉगल कर सकते हैं। फिल्टर बाय रीजन फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हम अपने कंट्री डाटा को उसके रीजन से फिल्टर कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम सर्च फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ इफ यू वांट टू सर्च फॉर एनी स्पेसिफिक कंट्री, लाइक इंडिया, इफ आई वांट टू सर्च फॉर पाकिस्तान, आई एम गेटिंग नॉट। और इसमें हम पेजिनेशन फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे लाइक दिस। ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। और इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट, टेलमी सीएसएस और नेक्स्ट वेब यूज करेंगे। एंड वन मोर थिंग, लाइक यह एक फुली रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन होगा, जिसे आप लाइक अक्रॉस ऑल द डिवाइस और ऑल द स्क्रीन यू कैन सी। ओके, लाइक दिस। सो नाउ यस, बिफोर स्टार्ट द कोडिंग आई वांट टू मेंशन लाइक यह एक मल्टीपल पार्ट वीडियो सीरीज होगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। लाइक दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज, जिसमें हम रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना, लाइक इनिशियलाइज करना, टेलमिन सीएसएस और नेक्स्ट वेब को सेटअप करना और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन करते हैं और अपने डिजायर फोल्डर लोकेशन पर चलते हैं, लाइक सीडी, डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट्स। नाउ यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, तो आई विल राइट npm create wait at rate latest। ओके, नाउ प्रोजेक्ट नेम होगा वेयर इन द वर्ल्ड। ओके, फ्रेमवर्क रिएक्ट, वेरिएंट टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डू कोड वेयर इन द वर्ल्ड। ओके, लेट्स जूम दिस वेस्ट कोड विंडो। नाउ अब हम लाइक अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमें लाइक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना होगा, तो आई विल डू npm i और npm install। तो यह जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसे इंस्टॉल करेगा। ओके, और यह इट कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स टू चेक वेट फॉर इट। ओके, ओके गाइस, सो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है। सो फर्स्ट मैं अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। नाउ अपने एप्लीकेशन में हमें टेलमिन सीएसएस और नेक्स्ट यूआई को सेटअप करना है, सो टू सेटअप द टेलमिन, ओके, टेलमिन के ऑफिशियल साइट में चलते हैं, लाइक टेलमिन सीएसएस डॉट कॉम। ओके, टेलमिन इस लाइक टेलमिन सीएसएस के ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नाउ मैं गेट सेटअप बटन पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले हम फ्रेमवर्क चूज करेंगे, सेलेक्ट वीट। ओके, देन आई विल इंस्टॉल द टेलमिन सीएसएस, के लिए हम कॉपी करते हैं, वीएस कोड विंडो में आते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं,
से पेस्ट करते हैं कमांड को। Okay, so now it's done. I will clear it. Now again, I will go to Tailwind. This is applicable to set. Okay, यहाँ पर अगला कमांड को हम कॉपी करते हैं, टर्मिनल में पेस्ट करते हैं. Okay, it's done. Clear it. Okay, और हम टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हमें Tailwind config को सेटअप करना होगा, तो मैं इस हाईलाइटेड कोड को कॉपी करता हूँ. Okay, and I'll प्रेस कंट्रोल पी और Tailwind config फाइल में चलते हैं. अगर Tailwind config डॉट जे एस और कंटेंट को रिप्लेस करते हैं और कॉपीड. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमें एट डायरेक्ट Tailwind बेस्ड कॉम्पोनेंट और यूटिलिटी डायरेक्टरी को ऐड करना है. आई विल कॉपी डेट कोड. ओके, क्लोज दिस फाइल. आई विल ओपन इंडेक्स डॉट सी एस एस. ओके, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल बी डन. नाउ नेक्स्ट स्टेप में लाइक ए डॉट जे एस एस में हमें इस कोड को ऐड करना. लाइक दिस इज अ सिंपल लाइक Tailwind कोड. ओके, लाइक हाउ वी कैन ऐड अ Tailwind जे एस एस और Tailwind प्लस. सो आई विल कॉपी दिस, क्लोज दिस फाइल. नाउ ओपन दैट ए डॉट जे एस एस. हम ए डॉट जे एस एस फाइल को ओपन करते हैं. फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल and delete. And what I will do, I will write RAFCE. Okay, you don't need it. Okay, and what I will do, मैं इसे replace करता हूँ. It's done. So now, अब हम अपने terminal open करते हैं और अपने अपने application को run करते हैं, like npm run dev. Okay, so now I will press control plus. I can see Tailwind CSS successfully set up. Now next step में हम like next UI को अपने application में setup करेंगे. So I will go to the office site like nestui.org. Okay. Next UI के अपने site का link भी मैं आपको description में provide कर दूँगा. वहाँ से इसे checkout कर सकते हैं. और मैं यहाँ installation page पर करते हैं. Let's see the steps. So first step में हमें नेक्स्ट यू आई ऑर्ग और फ्रेमवर्क मॉडल को इंस्टॉल करना है. कॉपी दिस कमांड. ओके, फर्स्ट आई विल क्लोज द एप्लीकेशन. अगेन आई विल पेस्ट दैट कमांड. ओके, एंड जस्ट क्लोज दिस एप्लीकेशन, यू डोंट नीड दिस. ओके, सो नेक्स्ट यू आई इंस्टॉल हो चुका है. नाउ लेट्स क्लोज दिस टर्मिनल. सो अगले स्टेप में हमें Tailwind CSS को सेटअप करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है. एंड नेक्स्ट हमें इसमें नेक्स्ट यू आई को कॉन्फिगर करना है Tailwind के साथ. सो फॉर दैट आई विल कॉपी दिस हाईलाइटेड कोड. ओके, कंट्रोल सी. Tailwind config फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर कॉपीड किए हुए कोड को ऐड करते हैं. आई थिंक आई हैव कॉपीड डन रॉन्ग कोड. लेट्स कॉपीड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल. नाउ
हमें इसमें नेक्स्ट वाई प्लगइन को ऐड करना है, सो आई विल कॉपी दैट स्टेटमेंट। ओके न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड प्लगइन से अंदर हम लाइक विल राइट नेक्स्ट यूआई लाइक दिस। ओके एंड आल्सो वी नीड टू ऐड डार्क मोड टू क्लास लाइक दिस। डन, सो लेट्स क्लोज दिस फाइल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रोवाइडर सेटअप करना है। लाइक हमें अपने एप्लीकेशन को नेक्स्ट वेब प्रोवाइडर से रैप करना है, सो आई विल गो टू मेन डॉट टी एस एस फाइल। और यहाँ पर हम नेक्स्ट वाई प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करते हैं और ऐप कॉम्पोनेंट को नेक्स्ट वेब प्रोवाइडर के थ्रू रैप करते हैं। नाउ इट्स डन, कंट्रोल के कंट्रोल डब्ल्यू। ओके सो नाउ ऑल द स्टेप हैज बीन डन। नेक्स्ट यू आई और टेलविन कॉन्फिग को सेटअप कर लिया है। ओके तो टेस्ट वेदर दैट नेक्स्ट वाई मतलब नेक्स्ट वाई सक्सेसफुली सेटअप हुआ या नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो हम ऐप डॉट टी एस एस फाइल करते हैं और एक बटन को इम्पोर्ट करके देखते हैं। ओके सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल कट दिस एंड आई विल इम्पोर्ट बटन फ्रॉम नेक्स्ट यू आई like this and like here I will write simple click me. Okay, my simple click me button. Now let's see. Now I think application is not on. So my terminal ko open karta hu. Here I will write npm run dev. Okay, so now close the terminal. Now if I refresh our application, see, I am getting that click me button here. ओके सो इट्स डन। तो आज के इस वीडियो में नहीं लाइक व्हाट वी हैव डन जस्ट क्विकली कैप, हमने इस वीडियो में रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, टेलविन सीएसएस को सेटअप किया और नेक्स्ट यूआई को सेटअप किया। नाउ लेट्स इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो कि हमें इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में इसकी जरूरत पड़ सके। फर्स्ट आई विल क्लोज माई एप्लीकेशन and I will import that. Okay, npm I axios and react icon. You will get to know about this like हम library में install करना है, इसके बारे में आपको next video में पता चलेगा। Okay, now it's done. So just a quick recap again, हमने आज के इस video में react application को install किया, tell me this और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है। इसके अगले वीडियो में हम रेस्ट कंट्री एपीआई से कंट्री डाटा को पेज करके यूआई पर शो करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लाइक कंटिन्यूअसली वी विल ऐड द फीचर स्टेप बाय स्टेप। लाइक वी डोंट वांट टू लाइक मेक द वीडियो लेंथ लाइक यदि मैं सभी you will get the source code of this application there.